यह तो हर भारतीय जानता है कि मैदान पर अक्सर आक्रामक और जीत के लिए आतुर रहने वाले विराट कोहली की नस नस में खून की जगह क्रिकेट दौड़ता है। इसी लगन के चलते आज विराट कोहली हर भारतीय के साथ साथ विदेशियों के भी चहेते बन चुके हैं। अपने बले से कोहली ने सैकड़ों कीर्तिमान महज कुछ ही सालों में अपने नाम कर लिए हैं, लेकिन हम में से बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आखिर यहां तक का सफर विराट कोहली ने पूरा कैसे किया, कैसे दिल्ली की गलियों में क्रिकेट खेलने वाला पूरे देश का चहेता बन गया। चलिए आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के उत्तम नगर के एक सामान्य पंजाबी परिवार में हुआ था। पिता प्रेम कोहली पेशे से वकील और मां सरोज कोहली गृहिणी थी। तीनों भाई बहनों में विराट सबसे छोटे हैं। महज 3 साल की उम्र में ही विराट ने बल्ला घुमाना शुरू कर दिया था और अक्सर अपने पिताजी को बॉलिंग करने के लिए बोलते थे। 1988 में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी शुरू हुई। उस समय विराट कोहली की उम्र महज 9 वर्ष थी। जब पड़ोसियों ने विराट का कौशल गली क्रिकेट में बर्बाद होते देखा तो उन्होंने प्रेम कोहली को सलाह दी कि विराट को अच्छी कोचिंग की जरूरत है। तब विराट के पिता ने उनका एडमिशन वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में करवा दिया, जिसमें उन्होंने राजकुमार शर्मा से ट्रेनिंग ली। इसके साथ ही विराट ने सुमित डोगरा अकेडमी के लिए भी मैच खेले। राजकुमार शर्मा बताते कोहली में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ था। वो ट्रेनिंग सेशन के खत्म होने के बाद भी प्रैक्टिस में लगे रहते थे, उन्हें जबरदस्ती घर भेजना पड़ता था।